मध्य प्रदेश में इन दिनों खाद को लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह की सरकार हर मुद्दे पर विफल साबित हुई है, अधिकारियों एवं माफियाओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। भाजपा के ही पूंजीपति नेता खाद विक्रय का रजिस्ट्रेशन कराकर खाद को छुपाकर कालाबाजारी कर ब्लैक में बेच रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हाल ही में भाजपा नेता के यहाँ संबलपुर में 1000 मीट्रिक टन खाद छापेमारी के दौरान पकड़ा गया था, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या शिवराज सरकार का बुलडोजर छोटे अपराधियों पर चलता है? खाद की कालाबाजारी कर रहे ऐसे भाजपा नेताओं के आगे क्या उनका बुलडोजर कांपता है? नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने आगे कहा कि भिंडी नहीं बल्कि चंबल संभाग सहित समूचे प्रदेश में खाद न मिलने से किसान परेशान है। आगे उन्होंने कहा कि वह प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि खाद की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि किसान समय पर अपनी फसल की बागवानी कर सके। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार का न तो अधिकारियों पर कंट्रोल है और न माफियाओं पर। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिन्होंने लाइसेंस रखे गए खाद विक्रय के, वो सब लोग अधिकांश खाद लेकर ब्लैक में बेच रहे हैं।